जय हिंद डियर स्टूडेंट, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज के लेक्चर में डील करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि ओम्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ ये टॉपिक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाएं जिससे कि ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो पाए। तो हमने क्या लिया, एक बैटरी। आप समझ गए होंगे कि बैटरी क्यों लिया है, क्योंकि इस पूरे सर्किट में हमको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है। तो उसका फ्लो कब होगा, जब कोई भी एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल का डिफरेंस सर्किट में जनरेट करने के लिए हमने एक बैटरी ले ली। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने एक की से कनेक्ट कर दिया, और की का दूसरा एंड हमने क्या कर दिया, एक लोड से करते हुए जिसका रेजिस्टेंस आर है से होते हुए अमीटर से कर दिया, अमीटर से होते हुए एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया, और रियोस्टेट का कनेक्शन हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कर दी। अब की में कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता नहीं है, तो की को चाहे जैसे मर्जी वैसे कनेक्ट करो, लेकिन वोल्ट मीटर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तो वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ठीक उधर ही कनेक्ट करना चाहिए जिधर की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और नेगेटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर का उधर ही कनेक्ट करना चाहिए जिधर की बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। और किसी भी सर्किट से जो वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है वो पैरेलल कनेक्ट होता है, इसलिए हमने पैरेलली इसको कनेक्ट कर रखा है। अमीटर जो होता है किसी भी सर्किट में वो सीरीज में कनेक्ट होता है, तो हमने इसलिए इसको सीरीज में ही कनेक्ट किया। लेकिन अमीटर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अमीटर हमने बैटरी के पॉजिटिव से ही कनेक्ट किया, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अमीटर इज कनेक्टेड विथ अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कैसे कनेक्ट हुआ है, ये रियोस्टेट से होते हुए कनेक्ट हुआ है। रियोस्टेट क्या होता है, ये सर्किट में करंट की इंट्रोड्यूस करता है कि बढ़ेगा कि घटेगा क्या होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ का ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और किस तरीके से कनेक्ट करना है ये हमने आपको डिस्कस में करके बता दिया। चलो, ओम्स लॉ अगर हमको चेक करना है कि हाउ टू चेक द ओम्स लॉ, जिसमें आर हमारा हमने कहा कि कॉन्स्टेंट है, आर हमारा कॉन्स्टेंट है, ये कैसे चेक करोगे कि आर कॉन्स्टेंट होता है, जबकि हमने ये बताया कि पोटेंशियल और करंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, वी इज इक्वल टू आई आर हमने कहा। एक बात और मैं बता दूं कि R इज इक्वल टू वी अपान आई। रेजिस्टेंस ना तो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस ना तो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है, पहले थ्योरेटिकली देख लो, फिर प्रैक्टिकली आप लैब में जाके कर लेना। मैं तो यहाँ थ्योरेटिकली ही दिखाऊंगा। देखो, पोटेंशियल और करंट, पोटेंशियल अगर बढ़ता है तो करंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देख लो आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आई इंक्रीज होएगा तो वी भी इंक्रीज होएगा, आई डिक्रीज होएगा तो वी भी डिक्रीज होएगा। अब आप बता दो कि आई और वी अगर बढ़ रहे हैं दोनों, तो साथ में ही बढ़ रहे हैं, और घट रहे हैं तो दोनों साथ में ही घट रहे हैं। तो अब एक बात बताना, वी की वैल्यू मान लो 1 थी और आई की वैल्यू भी 1 थी मान लो, तो अगर ये वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो वी की वैल्यू अगर मैं 5 रख दिया तो ऑटोमेटिकली आई भी 5 ही तो हो गया। यानी कि अगर मैं वी की वैल्यू अब 5 रख दूँ तो आई भी अपने आप में 5 ही तो हो गया, 5 ही तो हो गया, 5 ही तो हो गया। फिर से कैंसिल करो, फिर से 1 आ जाएगा। मान लो कि मैंने वी की वैल्यू 10 ली और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो अब 10 की ये 10 रखो, ये वैल्यू 10 रखो, और आई, अब आई की वैल्यू भी अपने आप 10 ही तो हो गया, अपने आप 10 ही तो हो गया। अब आप फिर से आर कैलकुलेट करो, 10/10 कैलकुलेट करोगे फिर 1 आ जाएगा। अब मैं अगर वी की वैल्यू 100 लूँ, तो वी प्रोपोर्शनल टू आई है, तो वी की जगह पर 100 प्रोपोर्शनल आई, आई अपने आप फिर 100 हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कि जिस रेशियो में वी बढ़ता है उसी ठीक रेशियो में आई भी बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो जिस रेशियो में वी बढ़ेगा उसी रेशियो में आई भी बढ़ जाएगा। तो आप एक बात बताइए, इट इज़ द रेशियो, और आर क्या है, इट इज़ द रेशियो अपॉन वी एंड आई। तो वी के बढ़ने से आई बढ़ जाएगा, तो इसका रेशियो ऑलवेज कॉन्स्टेंट आएगा कि नहीं आएगा। ऑलवेज इसका रेशियो कॉन्स्टेंट आएगा। जब हम कोई दो फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं कि एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो उनमें
जो ये रेशियो का क्वांटिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट ही आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है। बस शर्त ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, शर्त यही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और ये ओम्स लॉ का लिमिटेशन भी है, ये भी याद रखना, ओम्स लॉ का लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है कि इफ़ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, यही लिमिटेशन भी है। आई होप ये तब सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप इस सर्किट का आप क्या करते हो कि स्विच के को ऑन करते हो, स्विच के को क्या करो, ऑन करो। जैसे ही ऑन करोगे यहाँ पर इस सोर्स से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, करंट ऐसे जाएगा और ऐसे वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो वोल्ट मीटर में आप क्या करोगे, रीडिंग आप नोट कर लोगे, वोल्ट मीटर में रीडिंग आप नोट कर लोगे। मान लो वहाँ पर 1 आया तो आप क्या करो, उसी टाइम पर एमीटर में भी रीडिंग आप नोट कर लो, एमीटर में भी रीडिंग आप नोट कर लो। मान लो 1 आया तो 1 ही नोट कर लो, जो भी आया हो वो नोट करो आप। तो बस और फिर क्या करो, एक रीडिंग आपको मान लो हो गया, जैसे ही स्विच लगाया आपने, जैसे ही स्विच ऑन किया तुरंत वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग आपने नोट कर ली, यानी कि एक रीडिंग हमको मिल गई। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि उसके बाद क्या करो आप कि यहाँ पर आप करंट की वैल्यू को बढ़ाओ सर्किट में। अब करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे कैसे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है इसमें, करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे कैसे। तो रियोस्टेट को एक बार यहाँ टच कराओ, एक बार यहाँ टच कराओ, ऐसे यहाँ टच कराओ, रियोस्टेट को स्लाइड करते रहो तो सर्किट में इंट्रोड्यूसिंग जो करंट है और वोल्टेज है वो बढ़ता रहेगा। और जितना बार आप यहाँ रियोस्टेट के नॉब को आप स्लाइड करते हो रियोस्टेट के ऊपर, उसके कॉयल्स के ऊपर, उतनी बार आप पोटेंशियल और एमीटर के बीच की रीडिंग आप देखते रहो। और आप जब देखते हो ऐसे चार पांच बार आप स्लाइड करते हो, मान लो एक कंडीशन पर यहाँ पर रखा तो पोटेंशियल और सॉरी यहाँ वोल्ट मीटर और करंट यानी एमीटर के बीच में आपने रीडिंग ले लिया, दूसरी कंडीशन पर आपने जब नॉब को रखा तो एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग ले ली, तीसरी कंडीशन पर जब आपने यहाँ पर रखा तो वोल्ट मीटर एमीटर के बीच की रीडिंग ले ली, चौथी कंडीशन, ऐसे पाँचवीं कंडीशन, चार पाँच कंडीशन पर आप वोल्ट मीटर और मीटर की आप रीडिंग ले लो आप। और जब आप रीडिंग ले लेते हो, आप जब रीडिंग ले लेते हो, सपोज कर लो कोई रीडिंग हम ले ही लें, कोई रीडिंग ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो कि एक कंडीशन पर जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर था, यहाँ पर, तो इस वाली कंडीशन में रीडिंग आ गई 0.5। किसकी रीडिंग आई, पोटेंशियल की 0.5 रीडिंग आई और करंट कितना आया 0.2। दूसरी वाली कंडीशन पर जब आपने नॉब रखा यहाँ पर तो रीडिंग आई 1, वोल्ट मीटर में आई 1 और एमीटर में आया 0.4 आया। तीसरी कंडीशन में जब आपने नॉब को यहाँ पर रखा तो सपोज कर लेते हैं 1.5 आया, 1.5 आ गया और 0.6 आ गया। चौथी कंडीशन पे जब आपने नॉब को यहाँ पर रखा तो 2 आ गया पोटेंशियल और 0.8 आ गया। और पांचवी कंडीशन और लास्ट कंडीशन, पांच ही रीडिंग ले लेते हैं बहुत होगा, 2.5 पोटेंशियल आ गया, 2.5 और एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट आ गया। ठीक है, याद रखना रखें कि यहाँ पर एम्पियर में हम देख रहे हैं और यहाँ पर वोल्ट में देख रहे हैं। तो एक कॉलम और बना लेते हैं रेजिस्टेंस का। तो अब आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। रेजिस्टेंस क्या होता है, V R = V/I। तो जब आप V की वैल्यू यानी 0.5 को 0.2 से डिवाइड करोगे तो 5/2 आ जाएगा और 2.5 आ जाएगा। ठीक है, और आगे इतना ही आ जाएगा। और अब आगे जब आप फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/0.4 और ये 10/4 आ जाएगा और ये 2.5 आ जाएगा। अब 1.5 और 0.6 को सॉल्व करेंगे तो 15/6 और ये कितना आ जाएगा, 5/2 और 2.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 2/0.8, डेसिमल कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20/8, 10/4 आ जाएगा और 2.5, ये सब ओम में आएगा, इसकी यूनिट ओम ले रहे हैं हम। और 2.5/1 अगर लें तो 2.5 ओम ही हो जाएगा।
तो आप ये देख रहे हैं कि चार पांच रीडिंग हमने लिया और इन पांचों रीडिंग में 2.5 ओम ही आया। तो हम ये कह सकते हैं कि आर जो हमारा है वो कांस्टेंट है। आर क्या है? वो कांस्टेंट है। और आर कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि वी की वैल्यू बदल रहे हो तो आई की वैल्यू भी बदल जा रही है, आई की वैल्यू भी बदल जा रही है। लेकिन अगर वी इंक्रीज हो रहा है तो आई भी इंक्रीज हो रहा है, वी डिक्रीज होगा तो आई भी डिक्रीज होगा, और जिसके कारण हमारा आर जो है इन दोनों एक सेम रेशियो में हो रहे हैं, तो आर हमारा क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। और जब कभी भी आर कांस्टेंट होता है, याद रखना, आर कांस्टेंट होता है, तो हम ऐसे सर्किट को ओमिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? ओमिक सर्किट बोलते हैं। या आप ऐसे याद रखें, जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, ओम्स लॉ को ओबे करता है, उसे हम ओमिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम ओमिक सर्किट बोलते हैं। और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, यानी कि आर उसका कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। आर उसका कैसे होता है? आर उसका वेरिएबल होता है, आर उसका वेरिएबल होता है। तो फिर ऐसे सर्किट को हम नॉन ओमिक सर्किट बोलते हैं, नॉन ओमिक सर्किट बोलते हैं, नॉन ओमिक सर्किट बोलते हैं। अब जिसका आर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, फिर ऐसे रेजिस्टेंस को हम एक नया नाम देते हैं और बोलते हैं कि वो डायनेमिक रेजिस्टेंस है। क्या है? वो डायनेमिक रेजिस्टेंस है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने से हम देखते हैं कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम होने से उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, जिसका आर वेरिएबल होता है, वो ट्रांजिस्टर वगैरह उसके एग्जांपल हैं, बढ़िया एग्जांपल हैं। ट्रांजिस्टर हुआ, थर्मिस्टर हुआ, और डायोड हुआ, पीएनपी ट्रांजिस्टर हुआ, ये सारी चीज़ें नॉन ओमिक सर्किट के हैं, नॉन ओमिक सर्किट बोलते हैं। ऐसे जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ऐसे सर्किट को हम नॉन ओमिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है, सर्किट बोलते हैं। और जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, उन्हें ओमिक सर्किट बोलते हैं। तो ये सारी बातें भी आपको पता होना चाहिए। एलईडी हुआ, एलईडी भी हमारा क्या है? नॉन ओमिक सर्किट है। तो ओम्स लॉ में आप जब देखते हो ग्राफ, तो आपका ऐसे ग्राफ जाता है, स्ट्रेट लाइन जाता है, जिसमें आर कांस्टेंट होता है। ये होता है वी आई ग्राफ होता है, ठीक है, वी और आई ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो यहाँ से। और अगर हम देखें जो नॉन ओमिक सर्किट होता है, उसमें करंट ये है और पोटेंशियल ये है। तो नॉन ओमिक सर्किट में हमारा जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा ऐसे होता है, कर्व होता है। तो अगर हमें कहीं पर भी करंट, हमें ये कर्व होता है, ये क्या होता है? कर्व होता है, जिसमें आर हमारा कांस्टेंट नहीं है, आर हमारा कांस्टेंट है ही नहीं। आर कैसा है? डायनेमिक है। कैसा है? डायनेमिक है। आर वेरिएबल है। आर कैसा है? वेरिएबल है। या हम कह सकते हैं नॉन लीनियर ग्राफ है ये, नॉन लीनियर ग्राफ है ये। तो ये नॉन ओमिक सर्किट के लिए है। ओम्स लॉ को ओबे ही नहीं करते हैं ये, नॉन ओमिक सर्किट ओम्स लॉ को ओबे ही नहीं करते हैं, ये भी याद रखना, ओम्स लॉ को ओबे ही नहीं करते हैं। जितना इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको नोट करते चलना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सारी बातें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी ही बात करेंगे हम लोग। और अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि ऐसे ऐसे ग्राफ के लिए अगर हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, यानी डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, तो क्या करेंगे? तो जहाँ किसी जिस किसी भी पॉइंट पर हमको कैलकुलेट करना है ना, उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, बस एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये टेंजेंट बताएगा कि इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना है। तो किसी भी डायनेमिक रेजिस्टेंस में जो ग्राफ होता है, उसका अगर आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, तो जिस किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, वहाँ पर एक क्या करो आप, वहाँ पर एक वो टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो, चाहे जहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। और वो रेजिस्टेंस डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा, नॉन ओमिक सर्किट होगी, और नॉन ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो, ठीक है। ये सारी बातें याद रखना। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और उसमें वी आई ग्राफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वी आई ग्राफ की बात करेंगे। याद रखना, इस लेक्चर में हमने दो टॉपिक कवर किया, एक ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, और दूसरा हमने कवर किया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में ही हमने एक एग्जांपल लेकर इस तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।
है।